नमस्ते, आज का हमारा टॉपिक है क्वेस्ट फॉर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसके बाद में हम लोग नर्स्टीन थ्योरम एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेस्ट फॉर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो देखिए, 1925 से पहले की जब हम लोग बात करते हैं, उस टाइम पे यदि हम लोगों को 4 केल्विन से नीचे वाला ताप की ज़रूरत होती थी तो वो हम लोग प्रोड्यूस करते थे इवापोरेशन ऑफ लिक्विड हीलियम के थ्रू। मतलब लिक्विड हीलियम, मतलब द्रव हीलियम के वाष्पन के द्वारा हम लोग 4 केल्विन से नीचे वाला ताप उत्पन्न करते थे 1925 से पहले। इस तरीके से हम लोग 0.4 केल्विन तक का ताप प्रोड्यूस कर सकते थे। फिर उसके बाद में 1933-34 के अंदर डिबाय और गॉक, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही कम टेम्परेचर उत्पन्न किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक साल्ट के डीमैग्नेटाइजेशन विचुंबकन के थ्रू उन्होंने बहुत कम ताप उत्पन्न किया और इससे हम लोग के पास 0.003 केल्विन तक का ताप हम लोगों को मिला। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट क्या होता है, लिक्विड एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड हीलियम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर जो था, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, मतलब ये वाला जो था हमारा डीमैग्नेटाइजेशन पैरामैग्नेटिक साल्ट, उसमें हम लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियस जो होता है हमारा नाभिक, वो भी अनुचुंबकीय गुण होते हैं, उसके भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इसी को यूज़ करके उन्होंने और भी कम ताप उत्पन्न किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कॉपर न्यूक्लियाई था, उसको 0.02 के ताप पर लेके गए, कूल किया उसे इलेक्ट्रॉन्स डीमैग्नेटाइजेशन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन विचुंबकन के द्वारा वो 0.02 केल्विन तक ठंडा किया गया। उसके बाद में उसको न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन से वो ठंडा किया, तो इससे हम लोगों को 1.22 × 10⁻⁶ केल्विन, मतलब 1.2 μK तक का ताप मिला। ये अभी तक का सबसे कम ताप मिला हुआ है, इससे कम अभी हम लोगों को नहीं मिला है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा नर्स्ट हीट थ्योरम एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, हमारा जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या बताता है कि एंट्रोपी में क्या डिफरेंस होता है दोनों सिस्टम्स यदि इक्विलिब्रियम है। मतलब यदि दो सिस्टम्स हैं हमारे, वो साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उन दोनों की एंट्रोपीज में क्या डिफरेंस होगा, वही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, राइट। तो देखिए, हम लोगों को एंट्रोपी में डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन हम लोगों को यदि किसी सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी हो, दैट मीन्स उसके लिए हम लोग को क्या चाहिएगा, सबसे पहले एक रेफरेंस सिस्टम चाहिएगा, उसकी एंट्रोपी यदि हम लोगों को पता होगी तो ही हम लोग दूसरा जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी निकाल सकते हैं, राइट। तो 1906 में नर्स्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम की एंट्रोपी या निकालने का या फिर एंट्रोपी की सीमा ज्ञात करने का प्रयास किया। उससे उन ये चाहते थे कि बता सके कि ना एंट्रोपी कितनी होगी किसी सिस्टम की बिना रेफरेंस सिस्टम को ज़्यादा कंसिडर किए हुए। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, जो हमारे रिजल्ट्स थे, कोई भी सब्सटेंस है उसको जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर स्टडी किया गया उनकी प्रॉपर्टीज का, उसके जो रिजल्ट आए थे उनके बेसिस पर उन्होंने ये थ्योरम दी थी। दैट मीन्स न्यून तापों पर पदार्थों के जो गुण आए थे हमारे, उसके परिणामों के द्वारा हम उन्होंने ये थ्योरम दी थी, उसको हम लोग बोलते हैं नर्स्ट हीट थ्योरम, मतलब नर्स ऊष्मा प्रमेय। तो देखिए, ये बोलती है कि एट एब्सोल्यूट नल पॉइंट, मतलब परम शून्य ताप के ऊपर सारी रिएक्शन जो होती हैं हमारी, उनमें चेंजेस आने वो बिना एंट्रोपी में परिवर्तन के प्रोसीड होती है। मतलब जितनी भी गणित तंत्र की जितनी भी अभिक्रिया होगी हमारी, वो एंट्रोपी के बिना परिवर्तन ही अग्रसर होती है। इसी यही होती है हमारी नल्स की हीट थ्योरम। तो देखिए, फॉलर और गुगनहेम, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये वाला उनको थ्योरम इतनी अच्छी लगी और ये बिल्कुल बहुत सही थ्योरम थी कि जो होता है कि एब्सोल्यूट नल पॉइंट के ऊपर रिएक्शंस बिना किसी एंट्रोपी चेंज के प्रोसीड होती है। मतलब जो अभिक्रियाएं होती है बिना किसी एंट्रोपी में परिवर्तन के अग्रसर होती है, ये बहुत ही अच्छी थ्योरम थी। इसी को यूज़ करके उन्होंने दिया कि यदि एक सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर है, इफ अ सिस्टम इज एट एब्सोल्यूट जीरो, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी हमारी वो का यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, दैट मींस एक सार्वत्रिक नियतांक होती है, और इसको कन्वीनियंस के लिए हम लोग जीरो मान सकते हैं। और यही होता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। तो देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थे, उसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए थे अलग अलग साइंटिस्ट से। दूसरा स्टेटमेंट था मैक्स प्लैंक के थ्रू, उन्होंने बोला था कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव की एंट्रोपी शून्य होती है। उसके बाद में लुईस और रैंडल थे, उन्होंने दी थी एक स्टेटमेंट, एवरी सिस्टम हैज अ फाइनाइट एंड पॉजिटिव
एंट्रोपी, दैट मीन्स प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित तथा अधघनात्मक होती है, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, मतलब परम शून्य ताप पर, एंट्रोपी जो होती है हमारी वो जीरो हो सकती है। मतलब एंट्रोपी का मान शून्य हो सकता है, और लेकिन ये क्या बोल सकते थे, लेकिन शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए, मतलब प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए, ये हमेशा एंट्रोपी शून्य होगी परम शून्य ताप पर। मतलब प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए तो एंट्रोपी जो होगी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो होगी, लेकिन दूसरों के लिए हम लोग ये बोल नहीं सकते, ये हो भी सकती जीरो, नहीं भी हो सकती। तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट दिया हो इस तरीके से दे सकते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, एस ऑफ टी इक्वल टू जीरो। तो हम लोग जानते हैं कि डीएस जो होता है हमारा डीक्यू अपॉन टी के इक्वल होता है, तो सीपी डीटी अपॉन टी बोल सकते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो देखिए द डेल्टा से जब आ जाएगा हमारे पास एस टी माइनस एक्स नॉट जीरो टू टी सीपी डीटी अपॉन टी, तो एस ऑफ टी इक्वल टू एस ऑफ नॉट प्लस जीरो टू टी सीपी डीटी अपॉन टी। तो देखो एस ऑफ जीरो जो होता है हमारा एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, दैट मीन्स काल्पनिक राशि होती है, तो एस ऑफ टी जो होगा हमारा ग्रेटर होगा एस ऑफ जीरो के। तो थर्ड लॉ जो होता है हमारा उसके अकॉर्डिंग एस ऑफ जीरो जो होगा हमारा जीरो, तो इसलिए एस ऑफ टी जो होगा जीरो टू टी सी पी डी टी अपॉन टी। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी निकाय, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना आइडलाइज हो, मतलब कितना आदर्श हो, लेकिन उसका जो ताप है हमारा वो कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू। मतलब किसी भी निकाय का ताप हम लोग एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं लेके जा सकते, बस उसको एसिम्प्टोटिकली लेके जाना पॉसिबल है, उपगामित रूप से लेके जाना पॉसिबल है, लेकिन सही तरीके से परिमित के अंदर उसको नहीं लेके जा सकते परिमित स्टेप्स के अंदर। तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप की अनुगम्यता। आज के लिए असाइनमेंट वर्क है स्टेट नर्स थ्योरम एंड एक्सप्लेन इट एंड आल्सो स्टेट द मेन स्टेटमेंट्स ऑफ इट। आज के लिए थैंक यू।